हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची में पानी की किल्लत पर एमडी वाटर बोर्ड की सरजनिश, चीफ जस्टिस का मेयर वसीम अख्तर को फौरी पेश होने का हुक्म। रिपोर्ट्स में मत उलझाएं, सीधा बताएं कि अमल कब होगा। कराची रजिस्ट्री में रिमार्क्स, साबिक जज अमीर हानी मुस्तफ वाटर कमीशन के सरबराह मुकर्रर। नाकिस दूध केस में कंपनीज को डब्बों पर टी वाइटनर और दूध वाजे तहरीर करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। भारत चाहे तो आजमा ले, मुहिम जुई का भरपूर जवाब मिलेगा। हमारी जोहरी ताकत ने दुश्मन को जंग से रोक रखा है। दुश्मन की गीदड़ भभकी पर बहादुर अफवाजे पाकिस्तान का भरपूर रद्द अमल। भारतीय जनरल का शक बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का भी जवाब। शहरियों की जमा पूंजी चोरी करने वालों की शामत, एटीएम स्कैंडल में मुलविस चीनी बाशिंदा कराची डिफेंस से पकड़ा गया। कब्जे से 6 लाख रुपए, दर्जनों एटीएम कार्ड्स और स्कैनिंग मशीन बरामद। मजीद 3 साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची डिफेंस में एंटी कार लिफ्टिंग सेल के अहलकारों की फायरिंग से नौजवान जां बहक, 4 अहलकार जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज न हुआ। पुलिस को मकतूल इंतजार के साथ गाड़ी में सवार लड़की की भी तलाश। कसूर में जगह जगह जैनब को इंसाफ दो के बैनर्स आवेजा, 6 दिन गुजरने के बावजूद नन्ही जैनब का कातिल पकड़ा ना जा सका। नई सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आने के बाद पुलिस ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। पहले फेसबुक पर दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग। मंडी बहाउद्दीन 9 उम्र लड़कों से बदफेली के बाद ब्लैकमेल करने वाले ग्रोह का इंकशाफ। मुतासरीन का कॉलेज चौक पर एहतजाज, मुलजिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन का हामी नहीं, सदर ट्रंप अफगान जंग में नाकामी पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। वजीर आजम बना तो सदर ट्रंप से मुलाकात की कड़वी गोली निगल लूंगा, इमरान खान की अमरीकी खबर एसा एजेंसी से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल दौरा, तामीराती कामों का मुआयना, काम की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में शदीद सर्दी की लहर जारी, ठिठरते बर्तानिया को वीकेंड पर मजीद बर्फबारी का सामना। जापान में बर्फबारी के बायस इम्तिहानात मुलतवी, अमरीका में नहर का पानी जम गया। अमरीका की रियासत हवाई पर मिसाइल हमला हो गया, गलत अलार्म बजने से अफरा तफरी फैल गई, हुकाम की दौड़े, गवर्नर ने गलती पर माजरत कर दी। वसीम अख्तर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री पहुंच गए हैं,
आपको बताएं कि अदालत ने मेयर कराची को फौरी तलब किया था। आज के रोज इतवार का दिन है और ऐसे में अदालती छुट्टी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस सुने जा रहे हैं। खास तौर पर आज जो एक अहम केस सुना गया है वो है पानी की किल्लत से मुतालिक, जिस पर एमडी वाटर बोर्ड की सरजनिश करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मेयर कराची वसीम अख्तर को फौरी तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। अब ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि मेयर कराची पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में और यहाँ चीफ जस्टिस की अदालत में वो पेश होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज के रोज़ जो समात हुई उसमें एमडी वाटर बोर्ड की सरजनिश हुई और ये कहा गया कि हमें रिपोर्ट्स में मत उलझाएं, सीधा बताएं कि जो मंसूबे जो बातें हैं उस पर अमल कब होगा। यही नहीं बल्कि नाकिस दूध केस से मुतालिक भी आज के रोज़ समात हुई और कंपनीज को ऐसे में डब्बों पर टी वाइटनर्स और दूध वाज़ेह तौर पर तहरीर करने के लिए 4 हफ्ते की एक मोहलत भी दे दी गई है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज इतवार का दिन है लेकिन समात जो है वो हुई है कराची में पानी की किल्लत पर एमडी वाटर बोर्ड की सरजनिश की गई और चीफ जस्टिस की जानिब से मेयर वसीम अख्तर को फौरी पेश होने का हुक्म भी जारी किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत बताइएगा, मेयर पेश हो चुके हैं? जी बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब आज नाकस पानी की फरहमी या पानी की फरहमी ना होने के खिलाफ जो केस की समाअत शुरू की तो उसमें एमडी वाटर बोर्ड जो है कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि कराची का मेयर कौन है। तो जब बताया गया कि वसीम अख्तर कराची के मेयर हैं, एमकेएम के रहनुमा हैं, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वसीम अख्तर को फौरी तौर पर कॉल करने की हिदायत की और वसीम अख्तर कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं। उनसे जब पूछा गया कि वो पानी से मुतल्लिक क्या बताएंगे तो उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट मुझसे सवालात करेगी मैं उसके जवाबात दूंगा, लेकिन ये याद रहे कि वाटर बोर्ड मेरे अंडर में नहीं आता। जबकि एमडी वाटर बोर्ड का कहना था कि डीएचए का अपना सिस्टम है पानी फराहम करने का। बार बार चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए कि पानी की कमी नहीं है लेकिन टैंकर्स के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है, लोगों को 4,000 का एक टैंकर खरीदना पड़ता है, लोगों को 4,000 का टीका लगाया जा रहा है, गरीब लोग महीने में 2 टैंकर किस खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी सवाल उठाया कि पानी के मुतालिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतालिक बताया जाए कि वो कब मुकम्मल होंगे, लेकिन कोई वाजे जवाब नहीं दिया गया। एमडी वाटर बोर्ड तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके जिस पर उन पर भ्रमी का इजहार किया गया। ताहम चीफ सेक्रेटरी सिंध रिजवान मेमन ने 15 दिन की मोहलत तलब करते हुए कहा कि 15 दिन की मोहलत दी जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मनसूबा कब मुकम्मल होगा। इससे पहले डिब्बे के दूध के हवाले से जो समात हुई उसमें जो नाजर कोर्ट है उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि उन्होंने अदालती हुक्म पर मुख्तलिफ स्टोर्स पर छापे मारे हैं, भैंसों से जायद दूध के लिए जो टीके लगाए जाते हैं उसके 39 पैकेट्स उन्होंने कहा कि हमने जब्त किए हैं। अदालत ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को, FIA को और दीगर हुकाम को हदायत की है कि वो तो केसेस की समाअत आज इतवार के रोज हुई है, ना तो कोई जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही मुनासिब जवाब दिए जा रहे हैं। लियाकत राना अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि एटीएम फ्रॉड केस में एक चीनी बाशिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से एटीएम कार्ड्स और डिवाइसेस बरामद की गई। मुलजिम शोशोपिंग से 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुलजिम के 3 साथी फरार हो गए। शहर कायद में ATM स्किमिंग के जरिए रकम निकलवाने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बहादुराबाद पुलिस ने कार्रवाई की, चीनी बाशिंदे को ATM से रकम निकलवाते हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम और उसके साथियों से 100 से ज्यादा ATM कार्ड पकड़े गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ATM फ्रॉड में मुलव्वस था। मुलजिम के 3 साथी फरार भी हो गए हैं। 4 में से 3 चाइनीज नेशनल्स जो है वो पुलिस पार्टी को देख के भागने में कामयाब हुए। एक चाइनीज नेशनल जिसका नाम यू यू पिंग है उससे उसको पुलिस ने ताकुब किया, उसको पकड़ा। 6.5 लाख पाकिस्तानी रुपए, ATM स्किमिंग डिवाइसेस जिसमें ये फेक ATM डेबिट कार्ड्स भी मौजूद हैं, ट्रांसमिटिंग डिवाइस भी मौजूद है। ASP शाराए फैसल ने बताया कि मुलजिम से तफ्तीश के लिए चीनी मुतरजम को बुलाया गया है। मुलजिम को तफ्तीश के लिए FIA के हवाले किया जाएगा। कराची में ATM फ्रॉड के बाद शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ATM से पैसे निकालते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे किफ़ायत अली शाह से।
میں اے ٹی ایم سے رقم نکلوانے کے دوران متعدد جو ہے وہ فراڈ کے کیسز سامنے آئے ہیں، لیکن ان فراڈ سے جو ہے وہ شہری کس طریقے سے بچے، ہم آپ کو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں اور پہلے یہ بھی بتاتے ہیں کس طریقے سے یہ جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم اس ایک اے ٹی ایم مشین پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کارڈ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالنے کا عمل ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اس چیز کو چیک کر لیں کہ یہ کہیں لوز تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بعض اوقات ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں اور کارڈ جو ہے وہ اسکین ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ کارڈ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ اس کا پاسورڈ ڈالنے کا ہوتا ہے۔ پاسورڈ ڈالتے ہوئے بھی یہ چیک کریں کہ اس کا جو کی بورڈ ہے یا بٹن ہے وہ کہیں لوز تو نہیں ہے، کیونکہ پاسورڈ ڈالنے کے دوران بھی آپ کا پاسورڈ بھی جو ہے وہ ٹریس ہو جاتا ہے، اور آج کل ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں اور لوگ پکڑے بھی گئے ہیں سلسلے میں۔ اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان میں ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کیمرہ جو کہ ابھی اس اے ٹی ایم میں کیمرہ یہاں پہ موجود ہے، تاہم ان کیمرے سے جو ہے وہ بچیں۔ پاسورڈ ڈالنے کے دوران کوشش کریں کہ جب آپ پاسورڈ ڈال رہے ہوں تو کیمرے میں وہ چیز نہ آئے، یعنی کہ آپ یا پھر ہاتھ چھپا کے کریں یا پھر طریقے سے اس طریقے سے کریں کہ آپ کو کیمرے میں نہ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی چیز ہے، جیسے کسی بھی اے ٹی ایم میں جائیں کہ ڈکیتی وغیرہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ لاک کریں، اس کے بعد یہ سارا عمل جو آپ کریں۔ لہذا اس طریقے سے کیسز بھی ہو سکتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر کے حساب سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا اس کو فالو کریں تو اس طریقے سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں کسی بھی فراڈ سے۔ جی، اور ابھی آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں جہاں پہ وزیر داخلہ احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ذریعہ بنا رہے ہیں، بھئی آپ نے سیاست کرنی ہے تو آئیں الیکشن کی تیاری کریں، الیکشن میں پتا پڑے گا کون کتنے پانی میں ہے، لیکن ایک معصوم بچی کی جو ہلاکت اور اس کے جو ایک بہت گھنونا جرم ہے اس کے اوپر اپنی سیاست کو نہ چمکائیں۔ لہٰذا مہربانی کر کے ایسے تمام سیاسی لیڈر جو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اپنی کارکردگی دکھائیں، ایک معصوم بچی کی جو